तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, हम लोग वैन कार जो है वो गए थे गाड़ी का रेंट पे करने के लिए, और वही हमें जो है वहाँ पर वैन कार्स के ओनर ने भाई एक काम दे दिया कि भाई लैम्बोर्गिनी को जो है वो तुम लास वेगास तक ट्रांसपोर्ट करो, $20,000 जो है हमें उसके मिलने वाले। वैसे आप देख रहे हैं कि भाई $1,583 ही है जो है वो सीजे के पास, तो सीजे को काम की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी। तो अभी ये वाला जो है वो ट्रक हम लोगों ने जो है वो किराए पर उठाया हुआ है, और इसकी मदद से हम जो है वो लैम्बोर्गिनी को जो है वो लेकर जाने वाले लास वेगास। तो चलो चलते हैं और ट्रक को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम डलाएँगे ट्रक में जो है वो डीजल, उसके बाद जो है हम लोग जाने वाले हैं पहले अपने घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ सर जो है मुझे जो है यानी अपनी कार को जो है वो भी इस ट्रक में जो है वो लोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग जब जाएंगे अपना जो है वो लास वेगास, तो यहाँ पर इस ट्रक को जो है उनके कंपनी वालों के हवाले कर देंगे और अपनी जो है वो गाड़ी में ही घूमेंगे इतनी। तो फिर वहाँ पर अपने पास जो है वो गाड़ी नहीं होगी, तो फिर बड़ी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपनी गाड़ी को जो है वो ले जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और वैसे ये काम जो है हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि लास वेगास घूमा भी नहीं, तो वो भी घूम लेंगे, और लगे आते कुछ पैसे वैसे भी जो है वो मिल जाएंगे, तो घूमने का घूमना हो जाएगा और पैसा का पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले जाते हैं, और यहाँ से मैंने जो है वो गलत टर्न जो है वो ले लिया। अरे भाई ट्रक को जो है वो बचा बचा के लेके जा, किराए का ट्रक है ऐसा ना, उसका जो है बिल हमें जो है वो पे करना पड़े। तो भाई यहाँ से जो है हम सबसे पहले जो है वो जाने वाले, तो यहाँ सबसे पहले हमने डलाना है इसमें डीजल, और रास्ता जो है मुझे मालूम नहीं है कि भाई डीजल का जो है आई थिंक यहाँ से जो है हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से पेट्रोल पंप जो है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रक में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डीजल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद जाएंगे हम लोग घर, और वहाँ से जो है अपनी कार को जो है इस ट्रक में लोड करेंगे, उसके बाद वैन कार्स आएंगे और वहाँ से जो है वो लैम्बोर्गिनी को जो है वो लोड करेंगे और उसे लेकर जाएंगे लास वेगास। ओ सॉरी, रोड की तरफ जो है मेरा ध्यान नहीं था, तो इसलिए छोटी सी टक्कर जो है वो हो गई है। प्रॉब्लम जो तो यहाँ पर यह होती है कि भाई हमको जो है वो डीजल अगर रास्ते में ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और इसकी वजह ये है कि भाई ये ट्रक में अगर डीजल ख़त्म हो गया तो ये कहीं पर भी जो है वो रुक जाएगा, तो फिर इसको हिला नहीं सकते हम लोग अपनी जगह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है अपने घर की लोकेशन जो है वो सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ जाना है हमने अपनी कार को जो है इस पर लोड करना है, और उसके बाद जाएंगे वैन कार्स के पास। वैन कार वैसे करीब ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले वैन कार्स के पास चला जाऊँ या नहीं पहले अपनी गाड़ी को जो है वो लोड करते हैं, उसके बाद वैन कार्स पर आते हैं और वहाँ से उनकी लैम्बोर्गिनी को जो है वो लोड करेंगे। तो जल्दी से जाते हैं अपने घर की तरफ, यहाँ से आई थिंक हमें ऊपर जाना चाहिए, शॉर्ट पड़ेगा, ज़्यादा लंबा जो है वो रास्ता नहीं लेना है, क्योंकि भाई डीजल खर्च हो रहा है। डीजल जब खर्च हो रहा हो ना, तब बंदे को पता लगता है कि भाई क्या बात है, खर्चा तो हो रहा है। अरे वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत रास्ता है। ये शहर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो शान शहर है अपने जो है वो लॉस सैंटोस से अच्छा ही है। लॉस सैंटोस में जो है वो गन भी काफ़ी रहता है, और वहाँ के लोग जो है वो सही भी नहीं है, और यहाँ जो है ये भी आईपी शहर है, बड़े बड़े लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर जो है अक्सर जो है वो शांति रहती है, और सफाई जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। भाई रुक जा, रुक गया, लगता है फिर से जो है वो गलत रास्ता मैंने ले लिया है। सॉरी भाई ट्रक वाले, सॉरी गाड़ी वाले, थोड़ा तो पीछे हटना पड़ेगा। अरे यार हट जा यार, ये लोग सुनते नहीं है, हालांकि गलती मेरी है, फिर भी इनको तो पीछे हटना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है वो रास्ते से हटने वाले नहीं है, ये लोग बहुत ज़िद्दी लोग हैं। घर भी जो है काफ़ी दूर ही मुझे लग रहा है, उस ट्रक को ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते जो है वो रोड जो है वो छोटे हैं और ट्रक जो है वो बड़ा है। तो भाई यहाँ पर हम लोग जो है लगभग पहुँच गए, ये सिग्नल कहीं टूट नहीं जाए मुझसे, बच गया। तो यहाँ पर जो है हम अपने घर की तरफ जो है वो आ पहुँचे हैं, और यहाँ पर मैं इसको रिवर्स लगाऊंगा, क्योंकि गाड़ी को जो है फिर इसको निकालने का जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, और इसने देखो कितनी बुरी टक्कर मारी, उसका गेट ही उखड़ गया, गेट को ही पूरा जो है वो ख़राब कर दिया इन लोगों ने, बहुत बेकार ड्राइव करते हैं, बिल्कुल भी जो है ये लोग देखते नहीं है। तो ये जगह आई थिंक ठीक रहेगी, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो ये ट्रक है, वो ट्रक काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडल जो है वो पुराना है, लेकिन इंजन से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मस्त है और साफ़ सुथरा रखा हुआ है भाई ने। अरे काम तो करना, मैं बोल ही गया।
तो भाई इसकी बैक साइड जो है वो थोड़ा उठा लेते हैं, नहीं तो भाई गाड़ी अंदर जाएगी कैसे, गाड़ी को हम लोग जो है इसमें खड़ी कैसे करेंगे, या कह दे क्या लोड कैसे करेंगे। तो अब चलते हैं और अपनी करोला को जो है वो निकालते हैं। और करोला को मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ पर जो है वो गाड़ी नहीं होगी, और दूसरी गाड़ी रेंट पे उठाना वो थोड़ा महंगा पड़ता है, और ये अपनी करोला है तो इसी करोला का जो है भाई हम लोग रेंट पे करने गए थे वैंक कार्स पे, और वहीं पर जो है मैं ट्रांसपोर्ट का काम भी जो है वो मिल गया। और आपको लैम्बोर्गिनी मैं दिखाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लैम्बोर्गिनी है। आ जा पीछे, बिल्कुल जो है हमने ध्यान से इस कार को जो है वो लोड कराना है। अपनी कार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत ऐसी वैसी कार नहीं है, हालांकि सस्ती मिली है, 10,000 पर मंथ पर जो है हमें मिली है ये रेंट पर, लेकिन ऊंची काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए भाई ठीक से पार्क नहीं हुई है। देखते हैं, हाँ भाई पार्क तो हो गई है, अब इसको ज़रा अटैच वटैच करा देते हैं। तो भाई अपना जो है वो करोला फुल अटैच हो गई, लेकिन यहाँ सोच रहा हूँ कि भाई लैम्बोर्गिनी को मैं कहाँ खड़ी करूँगा, सारी जगह तो इस करोला ने जो है वो घेर लिए। चलो खैर है, देख लेंगे उधर ही जाकर जो है वो देखेंगे। अब मैं जो है मैं लोकेशन लगा देता हूँ वैंक कार्स की, तो यहाँ है वैंक कार्स, तो चलो चलते हैं भाई वैंक कार्स पर। भाई रास्ता दो, आरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत आरन लगाया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखो गेट अभी भी बंद नहीं हो रहा है, गेट को जो है वो ख़राब कर दिया है। अरे यार देखा, जैसे कि मैंने कहा था इंजन से गाड़ी बिल्कुल मस्त है, तो बिल्कुल इजीली जो है वो ऊपर चढ़ गई है। सीधा ही चलते हैं आई थिंक, आगे गाड़ी जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है, दिमाग ख़राब किया हुआ इन गाड़ी वालों ने, बिल्कुल भी ये लोग जो है वो ध्यान से जो है वो नहीं चलाते हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ से जो है हमने लेना है लेफ्ट, तो वो सामने वैंक कार जो है हम आ गए हैं। तो ये वैंक कार जो है वो शोरूम है, काफ़ी अच्छा शोरूम है और काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है वो मिल जाती है। और ये लैम्बोर्गिनी जो हम लेकर जा रहे हैं ये एक अमीर आदमी की है जिसने वैंक कार ने इन लोगों के लिए जो है वो मंगवाई हुई है बाहर से, तो अभी उसको उसके लिए ही उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस ट्रेलर को कड़क कर देते हैं ताकि गाड़ी को लोड करने में जो है वो आसानी हो। सबसे पहले अपनी गाड़ी को जो है वो डीअटैच कर देते हैं, आप थोड़ा पीछे आते हैं, और डीअटैच जो है वो इस तरह से होता है कि भाई बंदा बोलता है कि ये कैसी गाड़ी है। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल ही सीधा जो है वो हम लोग कड़क कर देते हैं, अब सही है, तो अब उतरते हैं नीचे। और लगता है डीजल जो है मुझे दोबारा फिर से जो है वो डलाना पड़ेगा। और ये वाली लैम्बोर्गिनी जो है जैसे कि आपको नज़र आ रही है वो अंदर जो खड़ी हुई है, वो लैम्बोर्गिनी जो है हम लोग लेकर जाने वाले हैं लास वेगास जो है। तो इस गाड़ी को जो है मैं सबसे पहले सही जगह पर पार्क कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो कोई चोर वोर जो है उठा के इसको ले जाए। तो इसको इधर ही लगा देता हूँ, पहले लैम्बोर्गिनी को लोड करेंगे उसके बाद अपनी वाली कार को जो है हम लोग लोड करेंगे। इंजन स्टार्ट है, चलो खैर कोई नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इसका जो है शीशा तोड़ना पड़ेगा गाड़ी को जो है वो निकालने के लिए, तो इसको हम लोग जो है वो तोड़ देते हैं। हाँ तो अब ठीक है, शीशा वैसे ही तोड़ना था क्योंकि गाड़ी जो है वो वैसे नहीं निकलती, तो बिल्कुल सही है। तो ये वाली लैम्बोर्गिनी है दोस्तों, और इसको हम लोग लेकर जा रहे हैं लास वेगास। तो बैठ जाते हैं अंदर, और अंदर मैं आप लोगों को इसका इंटीरियर जो है वो दिखाता हूँ कि किस टाइप का इसका इंटीरियर है। तो कुछ इस टाइप का जो है इसका इंटीरियर है, काफ़ी मस्त इंटीरियर है, काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे पसंद आई है गाड़ी, बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत गाड़ी है। तो अब चलो चलते हैं और इसको इज़्ज़त से जो है वो लोड कर देते हैं बिना किसी डैमेज के। अरे यार गाड़ी जो है वो नीचे काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई इसलिए, अरे आराम आराम से आराम, अरे यार ठोक भी दी। चलो खैर है, कुछ डैमेज वैमेज नहीं हुआ है। अरे यार नहीं 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 नहीं, अरे यार अब ये जो है वो ज़िद पे अड़ी हुई है, ये जो है ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं लगता है, ये जो है सैन फेरो को छोड़कर जाना नहीं चाह रही है। तो चलो भाई चलो, ओ बिल्कुल ध्यान से जो है हमने इसको लोड करना है। अरे यार
तो अब जो है हमने इसको जो है वो लोड कर दिया। अब अपनी गाड़ी की जो है वो बारी है, उसको भी ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर दोनों को लेकर चलने वाले हैं, लेकर जाने वाले हैं लास वेगास। भाई अपनी गाड़ी भी जो है वो कम खूबसूरत नहीं है, अच्छी लग रही है, अच्छी गाड़ी है। तो दोनों को जो है हमने बिल्कुल ही सही तरीके से जो है वो लोड कर दिए, हालांकि गेट जो है वो खुला रह गया। तो चलो इनको जो है वो अटैच कर लेते हैं जल्दी से, ताकि रास्ते में कहीं जो है ये गिरे नहीं। तो भाइयों यहाँ पर जो है दोनों गाड़ियाँ हम लोगों ने जो है वो अटैच कर दी। शुरू में हमने जो है वो पिंक वाली जो है वो लैम्बोर्गिनी जो है वो लोड कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो ऑनर आया और बोला कि भाई ये वाली गाड़ी जो है वो लास वेगास नहीं लेकर जानी, सिल्वर कलर की गाड़ी जो है वो लेकर जानी है। तो अभी ये सिल्वर वाली गाड़ी जो है हमने लोड कर दी। और दूसरी प्रॉब्लम इस पर ट्रक में ये हो गया था कि भाई इसका जो है वो फ्यूल पाइप जो है वो लीक था, तो इसकी वजह से आधा टैंक जो है वो हमारा ज़ाया हो गया, आधा टैंक से ज़्यादा जो है वो डीज़ल हमारे ट्रक का जो है वो ज़ाया हो गया है। तो अब जो है मैं फिर से जो है वो पेट्रोल पम्प जाना पड़ेगा और भाई डीज़ल जो है दोबारा फिलअप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं पेट्रोल पम्प की लोकेशन जो है वो सेट कर देता हूँ, आई थिंक इसी तरफ है। तो ये रहा, तो अब जो है हमने फिर से जो है वो पेट्रोल पंप पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो हम लोग निकलेंगे लास वेगास के लिए। और अपनी दोनों गाड़ियां जो है वो अटैच हो गई है, अब बिल्कुल ध्यान से जो है हमें जाना है और ध्यान रखना कि भाई इसके डीजल का पाइप जो है वो फिर से लीक ना हो। अगर इस बार लीक हो गया तो भाई गाड़ी अगर हमारी रुक गई फिर हम इसको नहीं ला सकेंगे, क्योंकि फिर हमारा साथ हमारी मदद करने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। ये तो अभी शुक्र है कि टाइम पर ही जो है हमारी नज़र इस पर पड़ गई कि भाई डीजल जो है वो लीक हो रहा था। अगर पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाता फिर बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होने वाली थी। तो चलो अब चलते हैं और यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले डीजल डलाना है और उसके बाद निकलते हैं लास वेगास के लिए। वैसे गाड़ियाँ दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है वो अटैच हो गई है। तो यहाँ से नीचे चलते हैं और नीचे जो है हमको मिलने वाला है पेट्रोल पम्प, और पेट्रोल फुल करने के बाद फिर हम निकलेंगे लास वेगास के लिए। सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को जो है वो सफ़र में साथ रहना है, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे तो भाई मज़ा नहीं आने वाला है इस गेम का। ट्रक का इंजन बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ही ताकतवर जो है ट्रक का इंजन है, न्यू ही लगता है उन लोगों ने जो है वो बनवाया होगा। हालाँकि मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुराना है, और हमें बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना कि भाई कोई एक्सीडेंट हमारी वजह से ना हो, किसी को भी जो है हमने नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल सेफली जो है इसको लेकर जाना है। तो चलो भाई यहाँ पर जो है वो डीजल फिल करा देते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीजल भाई इस टैंक में आ गया है। तो चलो अब लास वेगास का जो है वो लोकेशन सेट करें और फिर निकलते हैं लास वेगास के लिए। सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार होने वाला है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हूँ। तो इस वक्त इस तरफ है जो है अपना है लास वेगास। तो रास्ते में जो है वो पेट्रोल पंप हमको सीधा यहाँ से जो है वो यू जाना है और बिल्कुल इसी तरफ यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर जो है इस वाले पेट्रोल पंप पर हम लोग जो है वो मार्क करते थे, क्योंकि रास्ते में हमको पेट्रोल की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यही रास्ता है आई थिंक, यहीं से जो है हमने लेना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम हाईवे पर चढ़ जाएँगे। भाई पुलिस वाले थोड़ा रुक जा, पुलिस वाले जो है बड़े बदतमीज़ है, रुक रहे नहीं है। हालांकि इनको जो है वो रुकना चाहिए, लेकिन ये लोग भी जो है वो गवर्नमेंट मतलब कानून की धज्जियाँ उड़ाने पे जो है वो लगे हुए होते हैं। लगता है हमको ब्रिज के ऊपर से जाना था, यहाँ पर जो है हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है। चलो खैर कोई नहीं, आगे से कहीं पर जो है वो टर्न करने का जो है मौका मिल जाएगा, तो वहीं से जो है ऊपर की तरफ जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ से ही ले लेते हैं भाई, फुल टू फुल चढ़ाइयों पर बने हुए हैं ये घर, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर है। तो यहाँ पर कहीं हमारे जो है वो इंजन जवाब नहीं दे दें। नहीं वैसे चल तो भाई सही रही है, अपना ट्रक भी जो है वो मजबूत है। तो यहाँ से हमने जो है वो मुड़ना है, बिल्कुल ही केयरफुली जो है वो दोनों गाड़ियों को हम लोगों ने जो है वो पहुँचाना है, किसी भी गाड़ी को जो है वो डैमेज नहीं करना है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इस पंप का रास्ता मतलब उस हाईवे पर जो है हम लोग चढ़े तो चढ़े कैसे। आई थिंक यहाँ से जो है हमको ऊपर यहाँ से भी नहीं जा सकते, ये तो बंद है आई थिंक। तो यहाँ से जो है उसके साथ जो छोटा रोड है वहाँ से जो है हमको लेना है, तो इस तरफ से नहीं उस तरफ से आई थिंक।
तो यहाँ से जो है हम लोग चढ़ते हैं हाईवे पर। भाई निकल जाना निकल जाना। तो भाई निकल के, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई इंजन जो है इस गाड़ी का बहुत मस्त इंजन है, और बिल्कुल इज़्ज़त से जो है हम लोग आ गए इस ब्रिज पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़ूबसूरत ब्रिज है। और अब ये ब्रिज हमको लेकर जाने वाला है लास वेगास। भाई यहाँ से पूरा शहर नज़र आता होगा, कभी मैंने यहाँ से जो है वो आकर देखा नहीं है। फर्स्ट टाइम जो है इस ब्रिज पर मैं ट्रक को ड्राइव कर रहा हूँ, कार को भी नहीं, ट्रक को। डीजल जो है वो फ़िलहाल तो है वो सही है, अगर पाइप पर जो है अपने फ्यूल पाइप पर ध्यान नहीं पड़ता तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होने वाली थी। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है हम लोग चलेंगे लेफ़्ट साइड पर, आई थिंक लेफ़्ट पर ही लेना है। गलत रास्ता ना ले लूँ बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर गलत रास्ता जो है हमने ले लिया तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगी। भाई आराम से काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर स्पीड हो गई है, थोड़ी ढलान टाइप सी थी तो थोड़ी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गया था, पर अब जो है फिर से अपनी गाड़ी जो है वो कंट्रोल में। ये देखो ये गाड़ी वाले बहुत स्लो है, ये देखो बिल्कुल रेंग रेंग कर जो है वो दोनों चला रहे हैं, तो इनको थोड़ा ओवरटेक करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास ट्रक है और मैं नहीं चाहता कि भाई ना मेरा नुकसान हो ना इनका, और इनका जो है वो ये तो है कि गाड़ी का नुकसान होगा, मेरे जो है वो तीन गाड़ियों का नुकसान होगा। पहली गाड़ी जो है वो अपना ट्रक, और दो उसके बाद जो है अपनी कारें हैं, और दोनों की दोनों अपनी नहीं है, एक जो है वो रेंट पर है और दूसरी जो है वो किसी को देनी, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी जो है। तो भाई यहाँ पर जो है हम लोग बिल्कुल मस्त और नरम स्पीड से जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हॉर्न बजा देता हूँ, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है इसको ड्राइव करके। बिल्कुल ही पहाड़ों से हम लोग जो है वो जा रहे हैं, बिल्कुल रेगिस्तान है। यहाँ पर थोड़ी स्पीड कम कर देता हूँ, ऐसा ना हो ट्रक अपना जो है वो पानी में बह जाए। ओहो कितनी खूबसूरत नहर है। भाई क्या लग रहा है, क्या मस्त चल रहा है, खूबसूरत ट्रक है अपना। ऐसा क्या ट्रक वाले को जो है वो आराम देता हूँ। अब ये समझ नहीं आ रहा, आई थिंक यहाँ से जो है हमने लेना है। हाँ तो बिल्कुल सही रास्ता लिया, अगर उस तरफ जाते तो हम लोग जो है वो गलत चला जाते। और जैसे कि मैंने सोचा था हम लोग सुबह 6:30 बजे के जो है वो निकले हुए हैं, और अभी लगभग जो है वो 8 होने वाले हैं, तो 2 घंटे का ही सफ़र था, आई थिंक ज़्यादा जो है वो लंबा सफ़र नहीं। तो ये लास वेगास में अपनी जो है वो एंट्री हो गई है। मुझे लगा था कि लास वेगास जो है वो काफ़ी दूर पड़ेगा, काफ़ी जो है वो लंबा सफ़र जो है अपना होने वाला है, लेकिन सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटा है। और अपने जो है वो ट्रक में अभी डीजल भी जो है वो काफ़ी है, तो पेट्रोल पंप जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी इस गाड़ी के जो है वो ओनर को जो है हमने इस गाड़ी को जो है वो देना है, और इस होटल का जो मालिक है उसने ये गाड़ी जो है वो मंगवाई हुई है। अरे यार ये आई थिंक यही होटल है ना, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ट्रक को थोड़ा साइड कर देते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर रास्ता कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमसे जो है वो थोड़ी गलती हो गई, वो वाला उस साइड जो होटल है उस पर जो है हमने सप्लाई देनी थी ला के इस होटल पर, तो उस वाले होटल पर जो है हमने जाना है। तो जल्दी से बैठ जाते हैं वापस, चलो भाई वापस आ, रिवर्स बिल्कुल ध्यान से। वाह भाई वाह, क्या लग रहा है, ओ तेरी बच गया। तो यहाँ पर जो है हम 2 दिन गुजारने वाले हैं, 1-2 दिन हम लोग यहाँ पर जो है वो ठहरने वाले हैं, थोड़ा कसिनो वसिनो जाएंगे, कसिनो वसिनो जो है वो घूम कर आएंगे। अभी इसकी जो है मैं थोड़ी पार्किंग देख लेता हूँ, और यहीं पर जो है वो गाड़ी को उतार देते हैं, और उसके बाद जो है हम उसको फ़ोन कर देंगे इसके ऑनर को कि भाई आ जाओ अपनी गाड़ी जो है वो ले जाओ। अब यहाँ पर जो है मसला ये है कि भाई पार्किंग जो है वो नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा जो है हमें दूर जाना पड़ेगा लगता है, या ये वाले हो सकते हैं पार्किंग हो। हाँ तो ये बैक साइड पर जो है वो पार्किंग थी, तो हम लोग यहाँ से जो है इसको रिवर्स करने वाले। ओ तेरी, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर जो है वो ट्रक को मोड़ना। तो भाई वो फर्स्ट टाइम जिस
पार्किंग लॉट में मैं गया, वहाँ पर वो बंदा जो है वो नहीं आ पाया और पूरी रात मुझे जो है दोबारा यहाँ इस पार्किंग में आकर जो है वो गुजारनी पड़ी। और उस सामने वाले पेट्रोल पंप से जो है मैंने इस डीज़ल भी जो है वो फुल करा दिया था, क्योंकि डीज़ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम पड़ गया था। और पूरी रात में जो है यहाँ पर इसकी गाड़ियों की जो है वो चौकीदारी में गुजारनी पड़ी और सोने की जो है वैसे ही जगह नहीं थी। तो चलो अब जो है हमें फाइनली जगह जो है वो बता दी गई है, तो अब हम चलते हैं और इस झंझट से अपनी जो है वो जान छुड़ा देते हैं। डायरेक्ट इन दोनों गाड़ियों को जो है वो उधर हम लोग हवाले कर देते हैं उनके, तो बिल्कुल जो है हमने ध्यान से लेकर जानी। और ये लगता है गाड़ियां जो है वो कुछ लूज़ हो गई है, तो भाई बिल्कुल ही जो है वो सेफली लेकर जानी पड़ेगी। यह काम करते हैं गाड़ियों को इधर ही खड़ी कर देते हैं और बंदे को फ़ोन कर देते हैं कि भाई तुम इधर आ जाओ, पूरी रात तुमने मुझे जो है वो ख्वार कराया। तो चलो उसको यहाँ पर जो है वो बुला देते हैं, गाड़ी वहाँ पर वापस मैं लगा देता हूँ ट्रक, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो उनकी जो है वो रस्सियाँ खुल गई है, तो ऐसा ना हो कहीं गाड़ियाँ जो है वो रास्ते में गिर पड़े तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारी नुकसान हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई और ये आगे भी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। काफ़ी जो है मालदार शहर है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमीर लोग रहते हैं। तो चलो बैठते हैं गाड़ी में और अपनी जो है वो गाड़ी को पहले उतार देते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं पीछे भी खड़ी कर देता हूँ और उसके बाद उस बंदे का, जब तक वो बंदे का इंतज़ार कर देते हैं, वो भी जो है वो आता ही होगा। तो अब ये जो है उसकी गाड़ी को जो है हम उतारने का टाइम आ गया। उसकी गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। तो देखते हैं यहाँ से जो है ये इसको बिठाएँ कैसे वहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है भाई इस गाड़ी में। हाँ तो चलो, तो भाई बिल्कुल ही सेफली जो है हमने इसको उतारना है। मस्त गाड़ी है, मस्त, क्या बात है, क्या नज़ारा है। ओ भाई उतर उतर। तो भाई इसको जो है हमने उतार दिया है। ओ ओ ओ तेरी, छोटा सा जो है वो गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो गया लगता है, लेकिन खैर गाड़ी जो है वो बच गई है, डैमेज जो है वो नहीं हुई है। भाई हल्का सा एक्सेलेटर देने पर ही जो है वो गाड़ी बहुत मस्त तरीके से जो है वो भाग रही है। इसकी मैं आवाज़ आप लोगों को सुनाऊं तो आप जो है वो हैरान हो जाओगे। अभी थोड़ी देर में मैं इसकी आवाज़ जो है मैं आप लोगों को सुनाता हूं। तो कुछ इस टाइप की जो है इस गाड़ी की आवाज़ है। क्या मस्त आवाज़ है, क्या गाड़ी है यार, मस्त आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। मेरा जो है वो दिल आ गया इस पर और जैसे इस काम को मैं निपटाऊँगा तो भाई लॉस सैंटोस जाके ये गाड़ी जो है वो मैं लेने वाला हूँ। क्या बात है, क्या दोनों अपनी गाड़ी है, एक जो है अपनी सिंपल गाड़ी है, इसका लुक भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है और ये तो इसकी तो बात ही अलग है भाई। अभी तक जो है वो बंदा नहीं आया लगता, अब और कितना इंतज़ार करवाएगा, मैं जो है वो थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा ही। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो भाई ये रहा फाइनली जो है इस गाड़ी का जो है वो मालिक आ गया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश है। तो जल्दी से इसको इसके पैसे जो है हम ले लेते हैं और भाई ये अपनी गाड़ी को जो है वो देख रहा है कि कहीं डैमेज तो नहीं हुई है, तो जल्दी से भाई इससे हम जो है अपना पैसा ले लेते हैं। तो भाई ये हमको देने वाला है जो है वो $20,000, तो $20,000 हम इससे जो है वो ले लेते हैं और जल्दी से जो है वो यहाँ से निकल लाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसने बंदे ने जो है वो ख्वार किया। कल का आया हुआ हूँ इधर और इधर ही जो है वो घूम रहा हूँ। तो भाई यहाँ $21,300 जो है वो मुझे मिल गया, यानी $20,000 जो है मुझे इस भाई ने जो है वो दे दिए और बाकी $1,300 जो है वो अपना ही था। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह बंदा जो है वो काफ़ी खुश है अपनी गाड़ी को देख कर। तो मिलता हूँ आपको फिर अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, मतलब एक और नई स्टोरी के साथ। अब तक के लिए इतना ही।